हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचटीएमएल टैग्स की। तो एचटीएमएल टैग हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़े थे और उसमें जो टैग्स पढ़े थे वो ये हैं। आज के लेक्चर में हम दो टैग पढ़ने वाले हैं, एड्रेस टैग और एरिया टैग। एड्रेस टैग जो है वो हमको ये बताते हैं पर्टिकुलर आर्टिकल या डॉक्यूमेंट के कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। ये पोस्टल एड्रेस बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ उस ऑथर या ऑनर के डॉक्यूमेंट जो उसने हमको बना के दिया है उसके उसको आप मेलिंग के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल एड्रेस इसमें शो नहीं होता है, वो हम पैराग्राफ के थ्रू अलग से ही शो करना पड़ता है हमको। और एरिया टैग जो है वो हमको किसी एक पर्टिकुलर इमेज में स्पेसिफिक एरिया पे टैगिंग्स प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करते हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एड्रेस टैग की। एड्रेस टैग जो है वो हमको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा एड्रेस टैग, क्लियर। किस पर्पस के लिए बना रहे हैं? फॉर दिस डॉक्यूमेंट इज रिटन बाय क्विक रिवीजन, ये हमारा आर्टिकल हो गया फॉर एग्जांपल। अब हमको इसमें लिंक प्रोवाइड करनी है, तो AHREF लिंक प्रोवाइड करी। लिंक जो है वो हम किसको करेंगे? मेल टू क्विक रिवीजन .com पे करेंगे, क्विक रिवीजन @gmail.com पे आप करेंगे, क्लियर। ये आपने डिफाइन कर दिया। अब आप उस किस हाइपरलिंक क्या होगी जिस पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्विक रिवीजन @gmail.com पे मेल चले जाएगा। तो हाइपरलिंक सपोज QR होगी, ठीक है। और अब हम ये एक टैग को क्लोज कर देंगे। अब मैं चाहती हूँ कि लाइन में ब्रेक आए, ये ब्रेक लाइन कर दिया मैंने, ठीक है। ब्रेक लाइन के बाद हमने मैसेज दे दिया विजिट अस एट विजिट एट एज क्विक रिवीजन, ठीक है। ये हमने मैसेज दे दिया और हमने एड्रेस टैग जो है वो क्लोज कर दिया। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आउटपुट आएगा। तो प्रीव्यू पे गए, हमने वो करा, देखिए दिस डॉक्यूमेंट रिटर्न बाय क्विक रिवीजन QR और BR टैग लगाया था, उस वजह से हम नेक्स्ट लाइन पे जंप कर गए हैं विजिटर्स क्विक रिवीजन। QR पे जैसे ही क्लिक किया तो देखिए हमारे पास क्या ओपन हो गया, हमारा आउटलुक ओपन हो गया जिसमें टू में ऑटोमेटिकली क्विक रिवीजन @gmail.com लिखा हुआ गया। आपको जो भी मेलिंग के थ्रू जो भी कॉन्टेक्ट करना है पर्सन से वो आप इजिली कर सकते। तो ये तो हमारा क्या था, एड्रेस टैग। नेक्स्ट है हमारा एरिया टैग। एरिया टैग ये बताता है कि एक सिंगल इमेज में आप पर्टिकुलर एरिया में हाइपरलिंक देंगे तो आपको अलग अलग विजिट होगी, अलग अलग पेजेस की या अलग अलग इमेजेस की विजिट होगी। तो उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमको एक इमेज चाहिए, क्योंकि एरिया टैग हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इमेज के रिस्पेक्ट में। तो इमेज इंक्लूड करने के लिए IMG SRC इमेज सोर्स। इमेज सोर्स क्या है? तो मैंने एक इमेज जो है वो पहले से ही अपने पास रखी है सेवन वंडर्स की, हम सभी जानते हैं सेवन वंडर्स को। तो ये सेवन वंडर्स की JPEG मेरे पास पहले से अवेलेबल है, मैंने अटैच कर ली। इसकी विड्थ हाइट दे देते हैं हम, जो भी हमें सूटेबल लगता है वो हम इसकी विड्थ हाइट दे देते हैं। तो सपोज 145 मैंने दे दिया, जो वो सजेशन दे रहा है वो भी आप ले सकते हैं। तो हाइट भी मैंने ले ली है, ये हाइट हो गई हमारे पास, क्लियर। अगर ये इमेज शो नहीं होती है किसी भी रीज़न से तो वहाँ पे क्या शो हो, तो कुछ ना कुछ टैग्स शो हो। तो ये मैंने टैग्स जो है ये लिख दिया कि वंडर्स टैग जो वंडर्स टेक्स्ट जो है वो शो हो जाएगा हमारे पास, क्लियर। अब कौन सा मैप यूज़ करेंगे? तो यूज़ मैप। मैप का नाम हम जो चाहें वो दे सकते हैं। मैंने #wonders दे दिया है क्योंकि हम इसी की ही बात कर रहे हैं, तो हम इसी से रिलेटेड टैग्स जो है वो यूज़ करते हैं। ये क्लोज कर दिया मैप। अब इस मैप का हमको यूज़ करना है मैप नेम, क्या है रखा है मैप नेम हमने? हैश। हाँ, मैप नेम यूज़ हम शुरू हमेशा हैश से ही होगा, उसके बाद आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैप नेम मैंने क्या दे दिया? वंडर्स दे दिया। अभी मैप नेम क्लोज नहीं हुआ है ना, ये ले लिया। अब हमने एरिया स्पेसिफाई किया। एरिया शेप कैसा रहेगा एरिया का? सपोज ये तीन ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, सर्कल पॉली रेक्टेंगल। जो सपोज सर्कल का एरिया हमारे पास रहेगा। कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे?
कोऑर्डिनेट्स सर्कल के कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, सेकंड कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस और थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो हमारी रेडियस होती है। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए। कोऑर्डिनेट्स पता करने का एक और तरीका है जो मैं आपको भी बताती हूँ। रेफरेंस में हमने दे दिया क्या सॉरी हाँ हाइपरलिंक में हमने दे दिया है वॉल ऑफ चाइना डॉट एच टी एम एल, हमको इस पेज पे रेफर हो जाना है। अगर ये पेज सपोज नहीं शो होता है या किसी वजह से डिलीट हो गया होगा तो अल्टरनेट में क्या शो होना चाहिए, वॉल ऑफ चाइना, ये टेक्स्ट शो होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, एक एरिया हो गया उस एक पर्टिकुलर इमेज में। कौन सी इमेज में, वंडर्स डॉट जे पी जी में। दूसरा एरिया डिफाइन करते हैं हम, एरिया शेप क्या रखेंगे, अब की बार शेप हम रख लेते हैं रेक्टेंगल, तो हमने रेक्टेंगल शेप रख दिया। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स तीन होंगे चार होंगे, तो 36, 35, 107, 168 ये हमने चारों कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। हाइपरलिंक कहाँ पर जाएगी, तो हाइपरलिंक जो है वो जाएगी ताजमहल डॉट एच टी एम एल। ये भी मैंने एक ताजमहल डॉट एच टी एम एल पेज पहले से बना दिया। सपोज ये पेज किसी भी रीज़न से डिलीट हो गया तो यहाँ पे क्या शो हो, टेक्स्ट, तो ताज महल शो होगा। ठीक है, लिखा हुआ ये हो गया। अब हमने मैप को क्लोज नहीं किया था तो ये हमने मैप को क्लोज भी कर दिया। अब हम रन करते हैं इसे। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, रन किया तो देखो मुझे ये इमेज आ गई। ठीक, इस इमेज के देखिए सिर्फ दो ही जगहों पर, एक तो ये ताजमहल आपको दिख रहा है और एक ये वॉल ऑफ चाइना दिख रही है। बस इन दोनों ही फोटो पे जाने पे मुझे हैंड कर्सर बना हुआ रहा है, बाकी सब जगह नॉर्मल कर्सर है। तो जैसे ही मैं ताजमहल पे क्लिक करती हूँ तो मुझे ताजमहल दिख जाता है, जैसे ही मैं वॉल ऑफ चाइना पे क्लिक करती हूँ तो मुझे वॉल ऑफ चाइना दिख जाती है। ठीक है, पर्पस क्या था ये समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि हमने किया क्या है कोड में। ठीक है, तो कोडिंग में ये हमारे पास तीन ऑप्शन है, कोड, स्प्लिट और डिज़ाइन। डिज़ाइन में गए तो ये डिज़ाइन दिख जाएगी, स्प्लिट में जाएंगे तो कोड और डिज़ाइन दोनों साथ में दिखने वाला है। इसका कोई काम नहीं है तो अभी हम इसे डिलीट कर दें। जैसे ही देखिए मैं ये सिलेक्ट करती हूँ तो ऊपर का जो कोड जो इस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है वो पूरा सिलेक्ट हो जाता है। मैंने डिलीट कर दिया तो एड्रेस टैग हमारा पूरा डिलीट हो गया है। ठीक है, इन दो लाइंस को भी मैं, अब मैं बात करती हूँ, ये देखिए इमेज सोर्स सेवन वंडर्स। तो जैसे मैंने किया तो ये पूरी इमेज है मेरी सेवन वंडर्स वाली, क्लियर, उसकी हाइट और विड्थ सब है। अब अगर मैं यहाँ से हाइट और विड्थ जो है चेंज करती हूँ, ये मैंने चेंज करी तो देखिए यहाँ 145 की जगह 124 हो गया, और ये हाइट भी हमारी क्या थी 201 थी तो 186 हो गई, क्लियर। तो विड्थ और हाइट हम ऐसे मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं मैप नेम की। तो मैप नेम तो हमारा स्पेसिफिक एरिया है, उसके अंदर हमने किस की बात करी है, एरिया की। एरिया कैसा चाहिए था हमें, तो एरिया कैसा चाहिए था, सर्कल चाहिए था। ठीक है ना, एरिया हमको कैसा डिफाइन था, हमारे पास सर्कल डिफाइन था। तो ये हमने जैसे इस पर एक सेकेंड जैसे इस पर सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये सर्कल वाला एरिया यहाँ पर डिफाइंड हो गया है। इस सर्कल एरिया के जैसे ये डिफाइंड होने हुआ तो हमें पता चल गया है कि हमें कहाँ पर मूव करना है, सर्कल पे मूव करना है, और वो कहाँ पर रेफर करेगा। और हाँ, अब सर्कल एरिया के साथ साथ एक और बात है कि उसके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, तो इमेज के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू के अंदर ही हमको क्या रखना पड़ते हैं, हमारे ये वाले कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। तो हमारी इमेज के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कैसी, 141 और 186। तो देखिए ये सारे कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, ये हाइट और विड्थ जो है वो 141 और 146 के 168 के अंदर ही हमने ये रख रखी है। सीधी सी बात है कि अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल होता है तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, वहाँ सीधे जाके उस पर क्लिक करना है। तो एक पर्टिकुलर इमेज के अंदर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं कि आप एक पर्टिकुलर इमेज के स्पेसिफिक एरिया पर क्लिक करेंगे तो आप किसी और प्लेस की HTML पेज पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपडेट्स लेते रहिए। थैंक यू।